Hello friends and welcome to our video. So as promised in our previous video, we have tried to cover maximum technicalities of Dholera SIR, Bharat ka pratham aur DMIC corridor ka sabse bada smart and sustainable industrial city Dholera SIR. Kareeb 100 km ki duri par towards southwest of Ahmedabad city, 920 square kilometers ke kshetrafal Dholera taluka ke 22 विलेजेस को मिला के 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स में डिवाइड किया गया है धौलेरा एसआईआर, जिसका डेवलपेबल एरिया होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर्स। धौलेरा एसआईआर की मास्टर प्लानिंग की है हेल्क्रो ने, जो कि लंदन बेस्ड बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। वर्ल्ड ओवर 70 कंट्रीज से ज्यादा जगहों पर काम किया है स्क्रैच से, प्लानिंग, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। धौलेरा एसआईआर की डिजाइनिंग एकॉम ने की है। एकॉम एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीट ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग रेल, रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। स्टेट गवर्नमेंट ने विप्रो को अपॉइंट किया एज ICT, मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स फॉर धौलेरा एसआईआर। विप्रो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि बेंगलुरु इंडिया में बेस्ड है। विप्रो को जो कंसल्टेंसी वर्क असाइन किया गया, दैट विल इंक्लूड ई गवर्नेंस, सिटी एप्लीकेशंस, सिटी वाइड नेटवर्क्स, डेटा सेंटर एंड सिटी डैशबोर्ड्स। ICT का कंप्लीट फ्रेमवर्क विप्रो को असाइन किया गया। टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक IBM एंड सिस्को को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं धौलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए। दिस सिंपली मींस कि इस नए शहर, इस नए स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट। धौलेरा एसआईआर का डेवलपमेंट प्लान किया गया है फेजेस में। टाउन प्लानिंग 1, जो कि 51.40 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड टाउन प्लानिंग 2, जो कि 102.34 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, डेवलपमेंट फेज 1 में आएगा। टाउन प्लानिंग 3, जो कि 66.60 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड टाउन प्लानिंग 4, जो कि 60 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में है, डेवलपमेंट फेज 2 में आएगा। टाउन प्लानिंग 5, जो कि 74.75 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड टाउन प्लानिंग 6, जो कि 67.33 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में है, डेवलपमेंट फेज 3 में आएगा। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी प्रोग्रेस में है। कॉम्पोनेंट्स लाइक रोड्स, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अदर सर्विसेज, ये सभी कॉम्पोनेंट्स आते हैं ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये डेवलपमेंट का काम आप देख सकते हैं टाउन प्लानिंग एरियाज TP2A और TP4A में, और इस एरिया को नाम दिया गया है एक्टिवेशन एरिया का। L&T is already working in activation area of Dholera SIR, और जिस तरह से development चल रहा है इस future city में, यह बहुत अद्भुत और बहुत ही सराहनीय है। सारा काम underground चल रहा है, जैसे कि पानी की लाइन, बिजली की लाइन, इंटरनेट की लाइन्स, गैस पाइपलाइंस, बड़े बड़े डक्ट्स, स्ट्रॉन्ग वाटर को मैनेज करना, वाटर ट्रीटमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बड़े बड़े डक्ट्स के थ्रू अंडरग्राउंड यानी रोड के नीचे से ही मैनेज होगा। बड़े बड़े कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए गए हैं, जहां से सर्विस प्रोवाइडर्स को सिर्फ कैबिनेट का डोर ओपन करना है और कनेक्शन एनेबल करना है जो भी वह सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। कोई खोद काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की डिगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बारी ये एरिया डेवलप होने के बाद यहाँ पर किसी भी काम के लिए ना तो कोई खुदाई का काम होगा और ना ही किसी भी प्रकार के रास्ते, रोड्स को तोड़कर दोबारा से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो हम अपने एग्जिस्टिंग सिटीज़ में देखते हैं, मैनेटवर्क, वो हमको इन नए शहरों में देखने को
नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग ऐसे ही की गई है, स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, पूरा प्लान्ड तरीके से पूरा काम चल रहा है। एक्टिवेशन एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, धौलेरा SIR में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में डेवलप किया गया है और ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट हो चुका है। एक्टिवेशन एरिया में ही टाटा केमिकल्स का लिथियम आयन बैटरी प्लांट आ रहा है। एक्टिवेशन एरिया में ही टोरेंट पावर के सब स्टेशंस का काम भी प्रोग्रेस में चल रहा है। एक्टिवेशन एरिया ऑलमोस्ट पूरी तरह से इंडस्ट्रीज को वेलकम करने के लिए रेडी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, बड़े बड़े प्लांट्स के लिए एक्टिवेशन एरिया इज कम्प्लीटली रेडी। इस नए और स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर का काम बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है। पूरे एरिया को डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन्स में, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, सिटी सेंटर, नॉलेज एंड IT पार्क, सोलर पार्क, पब्लिक फैसिलिटीज जोन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, हाई एक्सेस कॉरिडोर और काफ़ी ग्रीन स्पेस भी छोड़ा गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, इस नए शहर में डेवलपेबल एरिया रहेगा 422 स्क्वायर किलोमीटर्स का और बाकी का एरिया खाली छोड़ा जाएगा। दैट सिंपली मीन्स उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, उसको रखा जाएगा सोलर पार्क्स के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी के और सोर्सेज को जनरेट करने के लिए, वाटर रिजर्वॉयर्स, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए बड़े बड़े पार्क्स बनाए जाएंगे। बेसिकली एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाने के लिए ये एरिया खाली छोड़ा जाएगा। जैसे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में करीब 50% एरिया एकदम ग्रीन रखा गया है और इसी के कारण फ्रैंकफर्ट आज दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट सस्टेनेबल सिटी बन गया है। अब हम बात करते हैं ABCD बिल्डिंग के बारे में। ABCD बिल्डिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धौलेरा। 36,000 स्क्वायर मीटर्स का लैंड पार्सल है और यह बिल्डिंग लोकेटेड है टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ धौलेरा एक्सप्रेसवे, नॉलेज एंड IT जोन में। एक तरह से इस नए शहर का कंट्रोलिंग यूनिट है ये बिल्डिंग। शहर का टोटल कंट्रोलिंग ABCD बिल्डिंग से ही किया जाएगा, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर ICT, IoT के द्वारा कोई डेटा कलेक्ट करके इन नो टाइम उसको रिलेटेड अथॉरिटीज तक पहुंचाना। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी यहीं से अपना सारा काम करेगी। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी धौलेरा एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। धौलेरा कनेक्ट करेगा अहमदाबाद और भावनगर को थ्रू एक्सप्रेसवे एंड मेट्रो। एक्सप्रेसवे का टेंडर ऑलरेडी अवार्ड कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, धौलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्लान किया गया है फॉर कार्गो एंड पैसेंजर बोथ। धौलेरा का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि इसको सी पोर्ट से भी बढ़िया कनेक्टिविटी मिल रही है। सो फ्रॉम कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव, धौलेरा इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री। धौलेरा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है, जो कि करीब 5,000 मेगावाट पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखेगा। गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से इतने बड़े और विशाल सोलर पार्क की कंस्ट्रक्शन अट्रैक्ट करेगी करीब 25,000 करोड़ रुपए और जनरेट करेगी कम से कम 20,000 नौकरियां। सोलर पार्क के साथ साथ गवर्नमेंट विंड पार्क का भी सेटअप प्लान कर रही है धौलेरा में। धौलेरा सिर्फ एक नया शहर नहीं है, धौलेरा एक नई सोच है। धौलेरा नए शहर बनाने के तरीके को रीडिफाइन कर रहा है। धौलेरा आगे बनने वाली फ्यूचर सिटीज के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। धौलेरा SIR एक स्मार्ट और सस्टेनेबल कम्युनिटी बनने जा रहा है, जो कि मेनली रीन्यूएबल एनर्जी पर ही चलेगा। कंपोनेंट्स लाइक वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खूब सारे ग्रीन स्पेस, रिसाइकलिंग प्लांट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, इस शहर को सिर्फ भारत का ही नहीं पर विश्व का एक सेल्फ सस्टेनेबल, एक आत्मनिर्भर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाएंगे। धौलेरा SIR, अ न्यू गुजरात विद इन गुजरात। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बने रहिए हमारे साथ।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसमें हम बात करेंगे धौलेरा SIR की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में, यानी आज की डेट में ऑन ग्राउंड क्या क्या काम चल रहा है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।